समर्पित जीवन की यह कृपामय यात्रा में ईश्वर की कृपा इन बहनों के साथ रही। 50 एवं 25 वर्ष मिशन कार्य को सुचारू रूप से करने का सौभाग्य इन बहनों को प्राप्त हुआ। जीवन के सुख दुख भरे मिशनरी यात्रा में प्रभु के सानिध्य में ये बहने आगे बढ़ती रही। प्रभु का वचन कहता है, हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व ईश्वर में निहित है। हमारी ये धर्म बहने इस ईश वचन के साक्षी हैं। हमारे संस्थापक फादर अंतोनियस मरिया बोर्विक के पद चिन्हों पर चलते हुए इन बहनों ने प्रेरितों की रानी धर्म समाज में अपने आप को समर्पित किया है। अपने जीवन, ज्ञान, वचन एवं कार्यों द्वारा प्रभु के प्रेम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य ये बहनें करती आ रही हैं। बड़े ही प्रेम एवं स्नेह से प्रभु ने उन्हें अब तक संभाल रखा है। प्रभु के सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देने हेतु हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी प्यारी बहनों का फलदायी जीवन वृत्तांत इस प्रकार है। सिस्टर मेरी लूसी खलको, आप उड़ीसा के राउरकेला धर्म प्रांत की गायबीरा पल्ली की रहने वाली हैं। आपके पिता स्वर्गीय श्री मैक्सिमस खलको और माता श्रीमती मोनिका खलको हैं। आपका जन्म धार्मिक, शिक्षित और सुसंस्कारी परिवार में हुआ था। आपके 6 भाई बहनों में आपका स्थान प्रथम है। सुधा की 7 साल प्रेम से देखभाल की। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी बोर्डिंग बच्चों की देखरेख में आप योगदान दे रही हैं। प्रोविंस और कलिसिया की सेवा कर प्रभु येसु के मिशन कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। आपके उदार सेवा के लिए हम सब आपकी आभारी हैं। सिस्टर मेरी सरिता, आप झारखंड के रांची धर्म प्रांत डुमरपाट पल्ली की रहने वाली हैं। आपके पिता स्वर्गीय श्री पीयूष सोरस तथा माता मरियम सोरस हैं। आपके परिवार में 7 संतानों में आपका 3रा स्थान है। आपके माता पिता धार्मिक स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने अपने 3 संतानों को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। आप 17 जून 1968 ईस्वी में बनारस आई और प्रेरितों की रानी धर्म समाज में प्रविष्ट हुई। धर्म संघीय जीवन का अधिकांश समय एक आदर्श कुशल शिक्षिका के रूप में वाराणसी, जमशेदपुर और अंबिकापुर धर्म प्रांत के विभिन्न स्थानों में व्यतीत किया। आप एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ तथा संगीत प्रेमी मिशनरी हैं। स्वभाव से आप विनीत एवं मिलनसार हैं। समय का सदुपयोग करके अपनी कला को प्रदर्शित करती हैं। आपका जीवन प्रकृति प्रेम से जुड़ा है, इसलिए आप जहाँ भी जाती हैं
वातावरण को हरा भरा एवं सुशोभित कर देती हैं। आपके निस्वार्थ सेवा के लिए धर्म समाज आपके प्रति कृतज्ञ हैं। सिस्टर मैरी रॉबर्टिन, आप केरल राज्य के त्रिचूर धर्म प्रांत के पारापुकारा पल्ली की निवासी हैं। आपके पिता स्वर्गीय श्री लोनापन पुल्लोकरण तथा माता श्रीमती रोज पुल्लोकरण हैं। आप 7 संतानों में 5वीं संतान हैं। आपका पालन पोषण एक धार्मिक सुसंस्कारी परिवार में बड़े स्नेह एवं ममता से हुआ। आपने 30 अप्रैल सन 1965 ईस्वी में प्रेरितों की रानी धर्म समाज में प्रवेश किया। आपने गोरखपुर में नर्सिंग प्रशिक्षण के बाद एक कुशल नर्स के रूप में इलाहाबाद एवं वाराणसी के धर्म प्रांत के विभिन्न स्थानों में गरीब एवं रोगियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। आप स्वभाव से सरल, शांति प्रिय एवं हसमुख व्यक्तित्व वाली अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं। दीन दुखियों को दिलासा देना और उनके दुखों को प्रभु को समर्पित करना आपका मिशन रहा। आपके निस्वार्थ सेवा के लिए हम सब आपके प्रति कृतज्ञ हैं। सिस्टर मैरी अनुप्रिया, आप वाराणसी धर्म प्रांत के जमुआ मिशन की निवासी हैं। आपके पिता स्वर्गीय श्री मार्कुश कुजूर और माता सिसिलिया कुजूर हैं। आपके परिवार में 5 संतानों में आप सबसे छोटी हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। इस वचन का पालन करते हुए सिस्टर अनुप्रिया ने अपने धर्म संघीय जीवन में 25 वर्ष एक विश्वस्त सेविका के रूप में प्रभु की सेवा की है। आप रचनात्मक, मेहनती और अपने मिशन के प्रति वफादार हैं। आप अपने नृत्य एवं विभिन्न प्रकार के कलाओं द्वारा मीडिया एवं कम्युनिकेशन के माध्यम से ईश्वर के वचन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। आप अपने कलाओं को उदार दिल से एवं खुशी से बच्चों को देकर उनके भविष्य को उज्ज्वलमय बना रही हैं। आपके उदारता के लिए हम सब आपकी आभारी हैं। प्यारी बहनों, आज हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि आपके आने वाली जिंदगी स्वस्थ, खुशहाल एवं समृद्ध रहे। आपकी खुशबू जग में फैले, यश का हिम पर्वत हो, यही दुआएं आज हम सबकी। आपका जीवन खुशियों से भरा हो। अब मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता परम श्रद्धे बिशप यूजिन जोसेफ और सभी पुरोहित गणों को स्वर्ण जयंती एवं रजत जयंती के धन्यवादी समारोह क्रिस्तयाग बलिदान के अगुवाई के लिए आमंत्रित करती हूँ। उद्गार धन्यवाद के उद्गारों के साथ आइए हम पूर्ण भक्ति भाव से इस समारोह में भाग लेकर इन बहनों के लिए प्रार्थना अर्पित करें।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, विशेषकर प्रिय जुबिलेरियन बहनों और आपके परिवार के प्रियजन, ये जयंती समारोह, जुबली समारोह खुशी का अवसर है, ये कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है और अपने उम्मीदों को और कभी ना बुझने वाले आशा के उस दीप को दोबारा जगाने का, जगाए रखने का एक संकल्प करने का अवसर है। इस अवसर पर विशेष रूप से सभी जुबिलेरियन बहनों को मैं ईश्वर का आशीर्वाद, शुभकामना और धन्यवाद एवं बधाई प्रकट करता हूँ यहाँ उपस्थित इस धर्मसभा की ओर से, विशेषकर धर्म प्रांत की ओर से। आप धर्म प्रांत के इतिहास से जुड़े हुए हस्तियां हैं, इस धर्म प्रांत के मिशनरी बढ़ावती में, इस धर्म प्रांत के मिशनरी जीवन में आपने महत्वपूर्ण भाग निभाया, इसको हम कृतज्ञता से याद करते हैं। वी वेरी ग्रेटफुली रिमेंबर द मिशनरी रोल दैट यू प्लेड इन द मेकिंग ऑफ, इन द फुलफिलमेंट ऑफ, इन द कैरिंग आउट ऑफ द मिशन ऑफ द लॉर्ड हियर इन दिस पुण्य भूमि। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। इस भावनाओं के साथ, जिसमें हमारा दिल का कृतज्ञता भरा हुआ है और दिल की खुशी भरी हुई है, हम ये मिसा बलिदान चढ़ाएं और इसे योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार कर उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचनों और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमार धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ए भाइयों एवं बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मैं आपकी
प्रार्थना करें। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे इन बहनों पर दया दृष्टि की है। ये अपने धर्म संघी जीवन के जयंती वर्ष के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती हैं। इन्हें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिकाधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। संख्याएं 14 से 21। उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, मैं घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि में से अव्यंजित शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे मसीह विश्वास द्वारा आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो
और नीव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग सब अन्य संतों के साथ मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे हैं। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसकी शक्ति हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न करने में समर्थ है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। उसी को कलीसिया और यीशु मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन है।
तो संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता मैं जैसे तुझे प्यार किया है वैसे मैं भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुमको प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को आज्ञा देता हूँ एक दूसरे को प्यार करो। एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, पुनः एक बार हम खुशी मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं आप जुबिलेरियंस के साथ, आपके प्रियजनों के साथ। कोई 50 वर्ष कांड मना रहा है, कोई 25, एक एकलौता 25 वर्ष काल मना रही है। अच्छी बात है। आज जब हम लोग जयंती वर्ष मना रहे हैं,
ये शुभ संदेश दोनों, पहला पाठ और सुसमाचार का पाठ, मात्र एक विषय वस्तु पर ध्यान देने के लिए हमें आमंत्रित करता है, प्रेम, ईश प्रेम। अभिषिक्त जीवन, पवित्र जीवन, संस्कारिक जीवन का बुनियादी और उसका आधार मात्र ईश प्रेम है। सुसमाचार में प्रभु ईसा इस प्रेम के बारे में अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं और समझा रहे हैं, और पहला वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पिता ने मुझे प्यार किया वैसे मैंने तुमको प्यार किया। As the Father loved me, I have loved you. This sentence को थोड़ा सा इधर उधर घुमाना पड़ेगा। Because the Father has loved me, I have loved you. As the Father has loved me, I have loved you. Caused by the love of the Father, I have loved you. All the three sentences are about love, but then the internal content, internal actualization, and internal process of love is very complex. Because the Father has loved me, I love you. As the Father has loved me, I love you. Most of all, caused by the love of the Father, I have loved you. So, in the same way you love, John is very clearly indicating and insisting that for a Christian, for an anointed, and for a consecrated, there is no other option of loving than agape. And that's what he goes on to explain further. Like a friend who lays down his life. ये मित्रता वैलेंटाइन्स डे वाला मित्रता नहीं है। This friendship is between the bride and the bridegroom, the mother and the child, the father and the child. There is a big difference. And he says, laid down his life. Very clearly, this love is simply emptying. And there's a paradox here, that in this emptying, there is filling. In this creation of void, there is completeness. In this creation of reaching a state of nothingness, there is everything. This paradox is so beautiful, so sublime. And this can only be explained in the person of Christ, to whom you are wedded, all are wedded, I am wedded. There is no other model of demonstrating this type of love of the Father than Jesus the Son himself. Therefore he says, as the Father loved me, caused by the love of the Father, because of the love of the Father. There's a big process, the economy of salvation of love. And Paul tries to caution us in understanding this love. Paul is trying to tell, come on, watch now. Don't tell me you are 25 years of expert. Don't tell me you have 50 years of expert. Don't tell me you are 60 years of expert or 75 years of expert. Maybe centenary years of expert. No, there is no knowledge of love. He is not talking about knowledge of love, which I have assimilated over 25 years or 50 years or 60 years or 75 years. It is not knowledge, but it is love. Paul, writing to Ephesians, he is differentiating there. And he says, I kneel down, my brothers and sisters, and pray for you, that you come in terms
with this true meaning of the love of the Father. I think Jubilee in the history of Israel was instituted for this purpose. God the Father, the Yahweh, called his people, come back, celebrate with me, celebrate with me. And in celebrating, you go forward, go forth with a greater maturity and with greater understanding, with a deeper sense of God's love. Therefore, he says, come back. इसलिए 25 साल बाद हम प्रभु के सामने आते हैं, 50 साल बाद प्रभु के सामने आते हैं, in order to get the height and the width and the breadth and the depth of God's love. We can talk about the height, the depth, the width and the breadth of love only in the sense of agape. Only in the sense of agape. If it is philia or eros or amore, it can be counted in years. Pati patni shaadi kar sakte hain in total amora or in total eros, wo 20 saal baad khatam ho jayega. 25 साल भी शायद नहीं पहुंचेगा. लेकिन गॉड्स लव द अगपे, द वे जॉन इज एक्सप्लेनिंग, द वे पॉल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, इज सिंपली एब्सोल्यूट, सिंपली इटर्नल एंड सिंपली एवरलास्टिंग. सो एम्बलिश्ड बाय द सैक्रमेंट्स ऑफ बैप्टिज्म, कन्फर्मेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, we are simply made worthy to consecrate, to be anointed, in order to simply drown yourself, dive yourself into what is called God's love. In this there is joy. In this there is joy. In understanding this God's love, in understanding or in accepting this God's love, even on the way, as I climbed up the cross on Calvary, there was joy. Even at the moment of being crucified unto death, there was joy. Dear brothers and sisters, consecrated life, anointed life is a very privileged life. It's a gift. It's a gift. It is not a certificate. It's a gift. Only God can give this. Only God, who loves his creation in this manner through his Son, can give this. No one else. No one else. We have to time and again come to this point of understanding. I think Jubilees are instituted in the church, in the tradition of the church, for this purpose. We are very glad after 25 years, after 50 years, our sisters have come to the feet of the Lord to go into depth. जब 50 साल के बाद बुढ़िया नहीं हो जाती है, सवेरे आकर के बोले हम लोग बुढ़िया लोग आ गए आशीष लेने के लिए. हाँ लूसी, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग ओल्ड, इट इज द क्वेश्चन ऑफ ग्रोइंग इनटू एब्सोल्यूटनेस, ट्रांसेंडिंग इनटू कंप्लीटनेस, सो दैट द जॉय मे बी फुल. दिस इज आवर रिफ्लेक्शन today, dear sisters, and this is our desire, this is our prayer, not for you alone, it is not for individuals, because you are part of the mystical body of Christ, who loved absolutely, loved with the selfsame love that he received from the Father, and he revealed the absoluteness of God's love to entire creation. So you are participating in that. इसराइली प्रजा भी उसी में भाग लेने के लिए बार बार प्रभु के प्रांगण में आता था. तो 25 साल बाद, 50 साल बाद हम प्रभु के प्रांगण में इसी मकसद से और इसी उद्देश्य से, इसी इच्छा लेकर, इसी इच्छा लेकर हमने प्रारंभिक प्रार्थना में पढ़ा, अपनी इच्छा दोहराने के लिए आई है और इसे दृढ़ करने के लिए आई है, जिससे कि पूर्ण रूप से और अधिक पूर्ण रूप से आगे हम भाग ले सकें.
तो ये वरदान का क्षण है. इट्स अ मोमेंट ऑफ वेरी बिग गिफ्ट, वेरी ट्रेमेंडस ग्रेस. यू नो हाउ पॉल वॉज सो यू नो ओवरवेल्म्ड. ही सेज आई नील डाउन एंड प्रे फॉर यू. यू ओनली हैव टू रीड दोज वर्ड्स, आई नील डाउन एंड प्रे फॉर यू. पॉल हैड अंडरस्टूड दिस, पॉल हैड ग्रास्प्ड दिस, एंड ही हैज टोटली टेस्टेड दिस. And therefore, he could tell to his communities. And let us draw inspiration from here while we are rejoicing, while we are thanking, and while we are celebrating joyfully within our hearts, within the community. Let us pray for the entire community as we pray for the sisters. The community of the consecrated entity in the church is the reflection, the representation of the absolute love of God Himself. So that must be perfected, that must be made eternal. We are very grateful to all the family members, the relatives who have come here. Sabhi priyajanon ke aagman ke liye hum aapko dhanyawad dete hain. Aap isme sahbhag hokar jis tarah pratham din aapke behno ke sath aapne bhag liya tha, aaj bhi aap bhag lene ke liye yahan par upasthit hain, iske liye hum aapko dhanyawad dete hain. और ढेर सारा आशीष के लिए प्रभु से इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं. अब जब हमारी बहनें अपने व्रत को दोहराएंगी, इसी उद्देश्य से, इसी विचार के साथ, इसी मकसद से हम उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें और ईश्वर से उन पर कृपा और अनुग्रह मांगें. प्रभु तू ही तो मेरा पालन करता है, तेरी कृपा से ही मैं सनात हूँ. मेरे दृढ़ विश्वास के प्रतीक के रूप में आज मैं सदाशयता एवं निष्ठापूर्वक अपने आप को तुझे समर्पित करती हूँ. प्रेरित जीवन द्वारा प्रभु येसु से संयुक्त होकर मैं सब लोगों तक मुक्ति का संदेश पहुँचाना चाहती हूँ. प्रेरितों की रानी निष्कलंक कुमारी माता मरियम यहाँ उपस्थित कलीसिया के समक्ष आज मैं प्रभु येसु के द्वारा और पवित्र आत्मा के संग स्वयं को पिता परमेश्वर को समर्पित करती हूँ. मेरे प्रभु, मैं ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत लेकर प्रेरितों की रानी धर्म समाज के संविधान का निष्ठापूर्वक पालन करूंगी. मेरे भाइयों और बहनों, आप मेरे इस व्रत धारण एवं समर्पण के साक्षी हैं. आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं कलीसिया और मानव की सेवा द्वारा प्रभु की सेवा में सदा लीन रहूं, अपने धर्म समाज के लक्ष्य और अपनी बुलाहट के अनुरूप तब तक सेवारत रहूं जब तक मैं पूर्ण प्रेम और कृपा से मंडित न हो जाऊं. आमीन. प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखें. प्रभु जो दयालु है, प्रभु जो हमें प्रेम करता है, हमारी प्रार्थना सुने, स्वीकार करें और अपनी इच्छानुसार उसे पूर्ण करके हमें आनंद प्रदान करें. हे पिता ईश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, विशेषकर हमारे धर्माध्यक्ष बिशप यूजिन जोसेफ और सभी पुरोहितगण,
जिन्हें आपने एक चरवाहे एवं कलीसिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें साहस और सही निर्णय की भावना, गहरा विश्वास, प्रेम एवं दृढ़ आशा से भर दे, जिससे कि वे अपने शब्दों और जीवन के उदाहरणों के द्वारा कलीसिया की सेवा कर सकें और दुनिया में एकता, प्रेम और शांति के वाहक बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने सुपीरियर जनरल सिस्टर नंदिता परेरा और उनकी टीम, हमारी प्रोविंशियल सिस्टर श्रुति और उनकी टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें प्रभु ने हमारे धर्म समाज का मार्गदर्शन करने के लिए चुना है। प्रभु उन्हें अनुग्रह, ऊर्जा और ज्ञान से मजबूत कर, ताकि वे हमारे समाज को ईश्वरीय मूल्यों के साथ उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम हमारे जुबलेरियंस सिस्टर बेनेट, सिस्टर लूसी, सिस्टर रॉबर्टिन, सिस्टर सरिता और सिस्टर अनुप्रिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके समर्पित जीवन को आपने इतने वर्षों तक संभाले रखा। आप इन्हें आगे के जीवन में भी अपने विश्वास और प्रेम में दृढ़ बनाए रख, इनके संपूर्ण व्यक्तित्व को अपने अनुपम प्रज्ञा एवं विवेक से प्रकाशित कर, ताकि ये अपने जीवन, वचन एवं कर्म के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का संचार कर सके। हम इनके परिवार के सभी सगे संबंधियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें भी उनके उदारतापूर्ण समर्पण के लिए पुरस्कृत करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम पवित्र बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं कि धार्मिक जीवन में आपका अनुसरण करने की इच्छा युवक युवतियों के दिलों में जगाएं और उन्हें अनुग्रह दें कि वे आपकी बुलाहट को सहजता से स्वीकार करें तथा पूरे दिल से अपने जीवन को आपकी सेवा में समर्पित कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम राष्ट्रों के शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को समझें और पक्षपातपूर्ण हितों पर काबू पावें। वे सच्ची स्वतंत्रता, शांति तथा आम लोगों की भलाई के लिए खुद को साहसपूर्वक सुपुर्द करें, ताकि सामाजिक प्रगति में मानव की गरिमा, न्याय और जीवन की आशा महसूस की जा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवंती ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन, हम सबको स्वीकार कर और हम सबको अर्पण के रूप में ग्रहण कर ले। हमें योग्य बना जिससे कि हम तेरे प्रेम को ग्रहण कर सकें, तेरे प्रेम के चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को समझ सकें और उस प्रेम को बार बार इस यूकरिस्त में अनुभव कर दूसरों तक पूर्ण रूप से पहुंचा सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा और आपका यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस भेंट के साथ साथ हमारी
बहनों का आत्मसमर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी पुष्टि वे आज पुनः कर रही हैं। कृपा पूर्वक हमारी बहनों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगानि युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। I'm not afraid.
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन, तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष योजन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितो तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। Thank you.
हम सब मिलकर वही प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानि युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य हम सब इसे ग्रहण करने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। आज के इस महान अविस्मरणीय एवं पवित्र दिन में आप लोग जो हमारे जीवन को हर तरह से समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं और यह गरिमामय दिन देखने तथा अनुभव करने का अवसर दिए हैं, मैं अपनी बहनों सिस्टर्स बेनेट, सरिता, रॉबर्टिन एवं अनुप्रिया की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर्वप्रथम हम सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर को इस मंगलमय बेला में अपने तन मन हृदय से धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने हम लोगों के विगत 50 एवं 25 वर्षों के जीवन को अनेकों वरदानों एवं कृपाओं से मंडित किया है। टू बी लव्ड इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्सेक्रेटेड लाइफ। यस, इट हैज बिकम ट्रू इन आवर लाइफ टुडे एज जीसस क्राइस्ट हैज मेड अस हिज ओन। बड़े सम्मान के साथ हम आज के पूजन समारोह के मुख्य अनुष्ठाता अति पूजनीय महामहिम धर्माचार्य यूजिन जोसेफ के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने हमारे लिए पवित्र ख्रिस्त याग अर्पित कर प्रार्थना की तथा अपने प्रेरणादायी प्रवचन द्वारा सबके दिलों को उद्वेलित किया। आपने हम लोगों के लिए प्रार्थना करने एवं प्रभु की आशीष बरसाने का माध्यम बनकर इस दिन को स्मरणीय बनाया है। धन्यवाद स्वामी जी। पूजन समारोह में सहभागिता निभाने वाले सब पुरोहित भाइयों का भी हम शुक्रिया अदा करती हैं, जिन्होंने अपनी बहुमूल्य उपस्थिति द्वारा हमारे लिए प्रार्थना अर्पित किया है तथा पवित्र पूजन समारोह को भक्तिमय बनाया है। हम फादर आनंद, जिन्होंने अपने सुरेली तान या सुर से हमारे लिए प्रभु का वचन सुनाया है, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय सिस्टर फातिमा एवं मदर रेनहिल्डे को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हैं, जिन्होंने हमारी प्रारंभिक धर्म संघीय जीवन को संभाला संवारा। विगत 50 वर्षों के अंतराल में अनेकों प्रोविंशियल्स एवं उनकी सहयोगी धर्म बहनें, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है और हमारे धर्म संघीय जीवन को हर तरह से समृद्ध बनाया है, उन्हें हम बड़े श्रद्धा से स्मरण करती हैं एवं उनके प्रति शुक्रगुजार हैं। हम आभार प्रकट करती हैं हमारी वर्तमान प्रोविंशियल सिस्टर मेरी श्रुति जो आज के सारे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। अपनी क्षमता के अनुसार हमारे जीवन के हर पहलू आवश्यकताओं की ख्याल करती आ रही हैं। थैंक यू डियर सिस्टर। धन्यवाद देते हैं हम अपने माता पिताओं के लिए, जिनका आदर्श धार्मिक जीवन हमें धर्म संघीय जीवन अपनाने के लिए प्रेरणा प्रदान किया। ईश्वर उनकी सभी निस्वार्थ सेवा के लिए न्यायोचित पुरस्कार प्रदान करें। परिवार के अन्य सदस्यों को भी धन्यवाद देती हैं, जो अपनी प्रार्थनाओं
एवं अन्य तौर तरीकों से हम लोगों के इस महान दिन को देखने का सुनहरा मौका दिलाया है। हमारी जीवन यात्रा में ऐसे बहुत से लोग हमारा साथ दिए हैं, चाहे वे हमारे मित्र, मार्गदर्शक, परामर्शदाता बनकर तथा आर्थिक आध्यात्मिक मददगार होकर, उन सब के प्रति हम बहुत बहुत आभारी हैं। स्वर्गीय बिशप पैट्रिक, जिन्होंने हमारे प्रारंभिक जीवन में अपने स्नेह, प्रवचनों, ध्यान प्रार्थना सिखाने एवं धर्म शिक्षा द्वारा ज्ञान प्रदान की, ज्ञान की बातें सिखाई हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करती हैं एवं धन्यवाद देती हैं। हम कैथेड्रल पारिश के पारिश प्रीस्ट श्रद्धेय फादर अगस्टिन के जेकब शुक्रगुजार हैं, जिनके देख रेख में आज के यह धन्यवादी क्रिस्तयाग सुचारू एवं भक्तिमय ढंग से संपन्न हो सका। प्रेरित रानी संचार की बालिकाओं के प्रति हम अपना आभार प्रकट करती हैं, जिन्होंने अपने नृत्य द्वारा पूजन समारोह का भक्तिमय समारोह को भक्तिमय बनाया। हम शुक्रिया अदा करती हैं सिस्टर नेहा और सेंट मेरीज कम्युनिटी के सभी धन बहनों, नोविसेस एवं अन्य सहयोगियों के प्रति, जिन्होंने हमारे लिए अथक परिश्रम किया तथा इस दिन को आनंदमय, यादगार एवं स्मरणीय बनाया है। गायक मंडली, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपने आज के पवित्र पूजन समारोह को अपने मधुर गायन एवं वादन द्वारा भक्तिमय बनाया है। पवित्र वेदी की सुंदर सजावट के से लेकर अन्य छोटे बड़े कार्यों को सुचारू रूप से चलने के पीछे हमारी सिस्टर अर्पिता, अन्य सिस्टर्स, नोविसेस और अन्य सहयोगी गण निस्वार्थ सेवा की अहम भूमिका निभाते हुए आज का दिन को महान एवं यादगार बनाया है। आप प्रत्येक को हम कोटिशः धन्यवाद कहते हैं। जिन जिन कम्युनिटीज में हम जीवन व्यतीत किए हैं, वहाँ के सब सिस्टरों को भी हम लोग याद करते हैं और उनको जो हमको धार्मिक जीवन जीने में मदद की हैं, उन सबको भी हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देती हैं। हम अपने उपस्थित एवं अनुपस्थित प्रियजनों को तहे दिल से धन्यवाद देती हैं, जिन्होंने हम सबों को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किए हैं। स्वयं अपनी प्रार्थनाओं और त्याग द्वारा हमारी बुलाहट को सबल बनाया है। प्रीति भोज एक दूसरे से संबंध जोड़ने एवं बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जो केटर्स हमें अनेकों व्यंजनों का आस्वादन कराकर हमारी भूख मिटाने वाले हैं, उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अंत में हम दूर दराज से आए हुए धर्म बहनों, भाई बहनों तथा हितैषी जनों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर आज के समारोह में चार चांद लगाए हैं। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारी खुशी में शामिल हुए और हमारे लिए प्रार्थना किए हैं। इस महान कृपा के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं परम श्रद्धेय बिशप यूजिन जोसेफ
एवं सभी पुरोहित गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे अंतिम प्रार्थना के बाद हमारे जुबलेरियन धर्म बहनों के साथ फोटोग्राफी के लिए वेदी के सामने रहने की कृपा करें। उसके बाद आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी धर्म बहनों को अभिवादन करने हेतु तथा प्रीति भोज के लिए यथाशीघ्र चर्च के पीछे पंडाल में सम्मिलित होने की कृपा करें। थैंक यू। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है, इसे तूने इस जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हमें प्रदान किया। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये बहने इस स्वर्गिक भोजन तथा पेय से नवस्फूर्ति पाए और तेरे मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विशेष आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्माएं के साथ। ईश्वर अच्छे संकल्प का प्रेरक तथा सहायक अपनी कृपा द्वारा आप लोगों की निरंतर रक्षा करें और आप ईमानदारी से अपना दायित्व निभा सकें। वह जनता के सम्मुख आप लोगों को इस प्रेम का साक्ष्य देने की कृपा प्रदान करें। जिस बंधन से आप क्रिस्त के साथ इस लोक में बंधी हैं, उसी बंधन से आप स्वर्ग में भी प्रभु से नित्य संयुक्त रहें। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन विद्यालय। प्रभु का प्रेम और शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बधाई देते हुए ताली बजाएंगे सब लोग। Thank you.
हेलो हेलो May I kindly request all of you to come to the pandal quickly and take your respected seats. Thank you.
मैं सभी पुरोहितों, धर्म बहनों एवं अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि आप शीघ्र ही पंडाल में आने का कष्ट करें और अपना स्थान ग्रहण करें। May I kindly request all of you to come to the pandal quickly and take your respected seats. Thank you.
Truly this noon is a significant moment of great rejoicing, a time of jubilation, a time of thanksgiving, for we celebrate the 50 golden years and 25 silver years of religious life of our dear sisters, which they lived with all their faithfulness and commitment. Hearty congratulations, dear sisters. That they have lived. With immense joy and gratitude to God, along with our Superior General, Sister Nandita Pereira, and the whole SRF family, and all present here, dear Sisters Lucy, Sister Sarita, Sister Robert Jean, Sister Bennett, who is not present here due to some unavoidable reasons, and Sister Anipriya, our Silver Jubilarian, congratulations to you. Let's put our hands together and congratulate them. Dear sisters, I thank God for you, for your missionary vocation, and for the unique unfolding of your giftedness over 50 golden years and 25 years of consecrated life. You lived your yes faithfully and with total commitment through the hills and valleys of your life.
am sure you have experienced the glorious and joyous days of your religious life, as well as you had a share in the cup of suffering of the Master Jesus in the process of accomplishing your mission. I thank each one of you for your enduring love, deep faith, and dedicated service to the people of God in and through the charism of the congregation. We have seen your mission over the years has drawn many people to God and has become an example and inspiration to others to be at the service of the kingdom of God. I remember and pray for all those who have brought you to this day, your parents, your family members, your friends and well-wishers, and dear Sarah sisters, and those who have played a great influence on your life journey. We accompany you with our prayer that God continues to be with you today and all the days of your life, to bless you with his peace and joy and strengthen you physically and spiritually with a new inner energy and deeper joy in the life ahead. May your golden years turn to platinum and the silver years turn to golden years and beyond. May our Blessed Mother, Mary Queen of the Apostles, continue to be your protector and guide. Congratulations to you for the life well lived. God bless you. Thank you, Sister Shruti, for your expression of gratitude, appreciation, and best wishes for all Jubilarians. अभी मैं हमारी धर्म बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आकर जुबिलेरियंस को शौर्य एवं फूल माला से सम्मानित कर उन्हें बधाइयाँ दें। Thank you.
धन्यवाद बहनों आपके मधुर एवं मनमोहक गीत के लिए। Here I call upon the children of Prerit Rani Sanchar to perform a captivating cultural dance. So let us welcome them with a huge round of applause. मुस्कान बनाया वो सुबह की किरण से और रात की चांदनी तक रहती हर पल हमारे साथ तो कैसे भूले हम करना उनके लिए रब से फरियाद। आप सभी को पता है सिस्टर अनुप्रिया जो हमारे लिए सिस्टर नहीं बल्कि माँ से बढ़कर है। उनकी अहमियत हमें तब पता चलता है जब वो हमारे साथ नहीं होती हैं और जब रहती हैं तो कोई डर ही नहीं। हमारा मन कहता है चलो सिस्टर है ना। हम बच्चों की लाइफ में माँ मरियम ने सिस्टर को गिफ्ट के रूप में दिया है जिसको पाकर हमें ऐसा लगता है हमने तो वो सब कुछ पा लिया जो हमें चाहिए था। और पता है जब भी हमें कुछ हो जाता और हमारे चेहरे की उदासी ही उन्हें बता देती कि बच्चों को कोई तो तकलीफ है और अगर कुछ तकलीफ हो तो महसूस हमसे पहले उन्हें होता है। हम बच्चे तो सिस्टर को कभी कभी बहुत परेशान करते हैं लेकिन सिस्टर कभी हमें अकेले नहीं छोड़ते और 24/7 हमारे साथ रहती हैं। एक सीक्रेट बताऊं, हम अपने सिस्टर को किसी को नहीं देंगे। थैंक यू सिस्टर हमें इस काबिल बनाने के लिए और हम सभी सिस्टर्स लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और आपके इस त्यागमय जीवन के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं और हम सभी आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे कि आप हमेशा ईश्वर के कार्यों को करती रहें। थैंक यू सिस्टर्स। देखो जाओ जल्दी, तुम लोग को समझ में नहीं आता उन लोग इधर बैठे हो।